जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में दिल्ली के तुगलकाबाद के पास स्थित जो तालाब था, वहां पर रविदास संत को मानने वाले समाधियों संतों की कुछ समाधियां थी, और उन्होंने मुगल शासन काल में बहन मोदी के समय में जिस प्रकार से सामाजिक छुआछूत के खिलाफ अपने विचारों का प्रचार किया था, उसका अनुपालना करते हुए वहां पे उनके अनुयायी लगातार उनके विचारों के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे थे। दिल्ली की एक समिति के द्वारा न्यायालय में जो निर्णय उनके सर्वोच्च उच्च न्यायालय का खिलाफ गया, और उसके बाद उस स्थान को खाली कराने का काम किया गया, उसको देख करके देश के कई भागों में विशेष रूप से पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बड़ी संख्या में श्री रविदासी समाज के न्यायालयों के मन में एक दुख की भावना उभरी करने का प्रयास किया गया। हम आप पार्टी के इस प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक द्वेष को बढ़ाने वाले जो उन्होंने जिस प्रकार के विद्वेषपूर्ण भाषण और जिस प्रकार के विद्वेषपूर्ण तरीके से सामाजिक तनाव को कम करने की बजाय उसको समाप्त करने की बजाय लोगों को अनावश्यक बरगलाने का काम किया, उसकी निंदा की। हमारा मानना है कि दिल्ली भारत की राजधानी नहीं, दिल्ली भारत के विविधता में एकता के सांस्कृतिक प्रभाव को प्रस्तुत करने वाली देश की संवेदनशील लोगों के साथ जीने वाले करोड़ों लोगों के स्थानों को मनों को प्रतिनिधित्व देने वाली जगह है, या कोई भी राज्य सरकार इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं कर सकती, और कांग्रेस के द्वारा भी पंजाब में उसी ये मानती है कि संत रविदास की परंपरा इस देश में सामाजिक भाईचारे को मजबूत करने वाली परंपरा है, और हम सब जानते हैं कि संत रविदास जी का जन्म और उन्होंने जो अपना शरीर छोड़ा वो वाराणसी में छोड़ा। हमारी सरकार ने भी हमेशा उनके जीवन को बड़ा बनाने के उनके विषयों को और उनके जीवन के दिखाए हुए मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास किए। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में स्थित रविदास मंदिर में जाकर अपना माथा टेका था, और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने हमेशा रविदास जी के प्रति, उनके सामाजिक विकास के प्रति जो विचार है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस दिए गए निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करती है। इस आंदोलन के दौरान जो नौजवान आंदोलन के अंतर्गत जेल में गए वो भी रिहा हुए हैं।